मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सिटी कोतवाली पर पत्थरबाजी की घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देशों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा गठित बाइकर्स टीम तंग गलियों में घुसकर एक आरोपी को पकड़ने में जुटी है। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ अभी भी फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने सिटी कोतवाली से महल तिराहे तक जुलूस निकाला, जिसमें वे नंगे पैर चल रहे थे और अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे लगाते रहे। सीएम मोहन यादव के निर्देशों के बाद पुलिस ने 100 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अब तक 25 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तंग गलियों से अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बाइकर्स टीम बनाई है और जो अपराधियों की धरपकड़ में सक्रिय है। गुरुवार को पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपए की लागत से बने घर पर बुलडोजर चलाया और उनके घर के पोर्च में खड़ी 3 लग्जरी गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया। 3 दिन पहले छतरपुर थाने में एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पथराव हुआ था। इस पथराव में थाना प्रभारी अरविंद कुंजर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और SSP के गनमैन राजेंद्र चढ़ार घायल हो गए थे। थाना प्रभारी अरविंद कुंजर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका ICU में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मामला तब शुरू हुआ जब समाज विशेष के लोग एक ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। उन्हें समझाने के लिए थाना प्रभारी गेट पर आए ही थे कि भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद से प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है।